हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक की बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी रेसिपी है जो आपने कभी ट्राई नहीं की होगी और खाई भी नहीं होगी, जो कि है एग लबाबदा। तो आइए करते स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग मसाले की तैयारी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंडे को यहाँ पर बॉयल नहीं किया है, तो जी हाँ, मैं अंडे को यहाँ पर बॉयल नहीं करूँगी। यहाँ पर मसालों में मैंने छोटी इलायची ली है, एक पैन में मैंने तेल लिया है, उसमें सब मसाले में फ्राई करूँगी। छोटी इलायची, दालचीनी और मैंने यहाँ पे धनिया डाला है और बारीक कटा हुआ प्याज, जैसे कि रफली चॉप मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। इसे हम लोग हल्का सा सॉटे करेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले, आपको जितना पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मैं कोकोनट का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच जीरा लिया है, जीरा को भी इसके साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेना है। प्याज अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको ज़्यादा भुना नहीं है। इसमें मैंने एक बड़ा रफली चॉप टोमेटो भी डाल दिया है, उसे भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छे से भूनने में। प्याज, टोमेटो और सभी मसाले यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और बाद में इसकी पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं और कोकोनट भी यूज़ नहीं किया है। आपको अगर पसंद है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हमें इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है, स्मूथ पेस्ट। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो टोमेटोज ऑलरेडी हमारे जूसे होते हैं तो पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसा स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा कितना स्मूथ है। ऐसे ही पेस्ट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हमारी ग्रेवी अच्छे से बनती है और एकदम सिल्की ग्रेवी बनती है। पेस्ट को साइड में रख देते हैं और हमारी मेन रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लैट पैन यूज़ किया है, इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म होने के बाद तेज़पत्ता डाल देते हैं, एक बड़ा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें छोटा सा मैंने एक आधा प्याज लिया है बारीक चॉप करके, इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया से बहुत ही अच्छा स्मेल आता है और टेस्ट आता है। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई होने देना है। अभी इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच आपके कौन से भी पसंद का गरम मसाला या एक ग्रेवी मसाला आप डाल सकते हैं। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे यहाँ पे भून चुके हैं, अब इसमें हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया वो पेस्ट डाल देते हैं। आपको जितना पेस्ट की ज़रूरत है उतना ही पेस्ट डालें और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें पेस्ट की, आपको जितनी ग्रेवी बनानी है। पेस्ट को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हो, 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा एकदम सिल्की लग रहा है, एकदम स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बना है। अब इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देना है, अच्छे से भून लेना है इस मसाले को। मसाले को ऑलरेडी हम लोगों ने ज़्यादा भूना था स्टार्टिंग में, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कवर कर लेते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। मसाला यहाँ पे हमारा फ्राई हो गया है, कलर भी बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं एकदम मसाला हमारा स्टिकी सा हो गया है, मतलब कि इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। बस इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए ऐसे ही भून लेते हैं। अब मैं इसमें जो मिक्सर जार में मेरा मसाला था उसी में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पानी एडजस्ट किया है यहाँ पे। आप चाहे तो फ्रेश वाटर भी ले सकते हैं। आपको जितनी थिकनेस चाहिए ग्रेवी की उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल के थिकनेस एडजस्ट कर ले। ये थिकनेस बहुत ही परफेक्ट है। नमक डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसे 5 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं हाई फ्लेम पर। ग्रेवी हमारी बॉयल हो गई है और अच्छे से थिक भी हो गई है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी ग्रेवी की। गैस फ्लेम अभी हम लोग धीमा कर लेंगे।
यहाँ से तेज पत्ता वगैरह आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं बाद में, या वैसे भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमारे यहाँ पे अंडा यूज़ करने की। मैंने गैस फ्लेम पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया है। अंडे को हम लोग ऐसे फोड़ेंगे और बिल्कुल हल्के से स्मूथली हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे। सारे अंडे को हम लोगों को ऐसे ही प्लेस करना है। याद रखिए गैस फ्लेम हमें इस स्टेज पे बंद कर देना है और सभी अंडों को एडजस्ट करके ऐसे प्लेस कर देना है। इसे बिल्कुल ही हिलाना नहीं है और ना ही चम्मच चलाना है। ऐसे ही इसे रख के 2 मिनट के लिए रख देना है और बाद में इसे कवर कर लेना है और गैस फ्लेम को स्लो पे रख देना है। स्लो गैस पे हमें इसे पकाना है ताकि हमारे अंडे इधर उधर फैले ना और एक जगह पे वो पक जाए और उसका एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सा शेप बन जाए। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी यहाँ पे बॉयल हो गई है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से स्लो गैस पे ही पकाया है। आप देख सकते हैं एक हमारा कैसे परफेक्ट शेप में पक गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये हम लोग बॉईल करके अंडा वैसे भी ग्रेवी में डाल के बना सकते हैं रेसिपी, बट आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। इससे बहुत ही बॉईल एग से भी ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अगर आप इस तरह से अंडा बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अलग आता है रेगुलर बॉईल अंडे वाले ग्रेवी से। तो हमारे यहाँ पे एक लबाबदार रेसिपी रेडी है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत रेसिपी दिख रही है, वैसे ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम घर में ट्राई किया है। नॉर्मल एग रेसिपी से जो हम लोग बॉईल करके एग करी बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो ज़रूर इसे घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसे लगी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।